नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सच्ची बात में आज बारी है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की, जो चेन्नई में थिंक एजुकेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं और देश के यंगेस्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और एमपी भी रह चुके हैं। सचिन, आपका स्टूडियो बहुत बहुत थैंक यू। एक बात है कि राजस्थान आजकल खबरों में बहुत है कि वहाँ पर पहले यूपी में बच्चे मरते थे और कोटा के अंदर इतने सारे बच्चों की डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं, उसमें आपका व्यू और गवर्नमेंट जो आपकी हेडेड बाय अशोक, उसमें थोड़ा कन्फ्रंटेशन दिखाई देता है। आपने कहा किसी को जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। नहीं, कन्फ्रंटेशन नहीं है, मैं सरकार का पार्ट हूँ और मैंने तब भी कहा कि जो अगर ट्रेजडी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो लोग हमको जज करते हैं हमारा उस दुर्घटना पर रिस्पॉन्स क्या है, और रिस्पॉन्स थोड़ा मार्मिक हो, सहानुभूतिपूर्ण हो, लोगों के दुख के समय में उनका हम दुख बांटने की कोशिश करें, और सिस्टमैटिक अगर फेलियर कहीं पर है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं अपना बयान दिया था और मैं उस बयान पर कायम हूँ। और मुझे लगता है कि सरकार अब कदम उठाएगी, लेकिन जब ये घटना घटी, इतने सारे बच्चे मरे, मुझे लगा कि पिछली सरकार में कितनी मौतें हुई, हमारी थोड़ी कम हुई हैं, इसकी बजाय अगर हम बोलते कि हम एक भी नहीं होने देंगे और हम जिम्मेदारी के साथ इसको ओन करते हैं और आने वाले समय के लिए बेहतर व्यवस्था कायम करेंगे, मैं समझता हूँ वो एक बेहतर, मोर एक एम्फैटिक और कंपैशनेट रिस्पांस हमारा होना था। कि इनिशियल रिस्पांस जो आपकी गवर्नमेंट का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो इन ट्यून नहीं था कि इट हैज लाइक यू आर सेइंग इट शुड हैव बीन सिंपैथेटिक। देखिए प्रभु जी, होता क्या है राजनीति में ना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, देखिए ऐसा होता है कि कुछ इशू आया, मिस गवर्नेंस का आया, कुछ गलती होगी, लेकिन जब ज़िंदगी और मौत की बात आती है और ख़ासकर छोटे बच्चों की मौत होती है तो उस पर हम लोगों को बहुत ही संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि और लोगों की सिंपैथी नहीं है, लेकिन पब्लिक में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा जो नेतृत्व है वो हमारे दुख की घड़ी हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों के घर गया जिनकी बच्चों की मौत हुई थी, और वो कौन थे, SC ST गरीब दलित, कोई रिक्शे वाला था, कोई बेलदार था, कोई लेबर था, सबसे गरीब के बच्चे ही वहाँ सरकारी अस्पताल में जाते हैं, उनकी मौतें हुई थी, तो मैंने पहले उनका दुख बांटा। मैंने कहा मैं आपके बच्चे को जिंदा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि व्यवस्था को बेहतर करें ताकि किसी और परिवार को ये ना झेलना पड़े। किसकी जिम्मेवारी तो है ना, जहाँ पर इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, इसका मतलब था कि सिस्टम के अंदर आपको लगता नहीं कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर कोई स्टेट का, आपने ठीक कहा उस बात को कि हमारे सिस्टम में जो है ये जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि जहाँ हॉस्पिटल में एक रूटीन बेसिक हो, तो राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल या पॉलिटिकल लीडर ऐसे इश्यूज को क्यों नहीं सीरियसली लेते, कहना किसी की गलती तो है ही ना मॉनिटरिंग करने। देखिए मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। मुझे लगा कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है प्रभु जी, कि भविष्य में अगर दोबारा होगा तो फिर उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर हम फिक्स करें कि भाई ये लोग, ये संस्था या ये व्यक्ति जिम्मेदार है, तो कम से कम हम किसी को बोल सकते हैं। अभी मैं नहीं कहता हूँ कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा जो हमारा रिस्पॉन्स है वो थोड़ा और कंपैशनेट होता तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता कि सरकार हमारा दुख बांटने के लिए तैयार है। ये आपको लगता है बच्चे इतने सारे मर गए, आपकी सरकार ने जैसे यूपी में पहले मरे थे गोरखपुर के अंदर, नेशनल लेवल पर हल्ला हो गया था, योगी सरकार ने बड़े अरेस्ट भी कराए लोगों को, वहाँ पर एक्शन भी लिए, और पिछले दो सालों में देखा नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकरण में भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी सरकार। दिखाई दिया नहीं वहाँ पर, क्या कारण है, इतने दिन के अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे की लिस्ट आ गई है, कोई अरेस्ट नहीं है, कोई डिसमिसल नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब कोई पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं क्या आपको? नहीं नहीं, प्रेशर कोई नहीं है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए थी ना। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने कल कहा कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, मीटिंग्स करी हैं और पूरी कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। भारत सरकार ने भी एक कमेटी भेजी है, अब उसमें हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है और NHRC ने भी इसको इशू को टेकअप किया है। तो देखिए इशू ये नहीं है कि मौतें कितनी हुई, इशू ये है कि अगर कहीं गलतियां आएँ, सिस्टम में कहीं खामियां आएँ, उसको आइडेंटिफाई कर, पहले तो एक्सेप्ट करना, फिर आइडेंटिफाई करना और फिर रेक्टिफाई करना, ये एक प्रोसेस है गवर्नेंस का, वो जनता उम्मीद करती है। पॉलिटिकल झगड़ा हर जगह हो जाता है, आप समझते हैं कि जहाँ बीजेपी सरकार वाले कुछ बोलेंगे आपके बोलेंगे। मेरा सवाल ये कि अभी तक वहाँ किसी कोई डॉक्टर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कोई हेल्थ मिनिस्टर ने किया है, देते नहीं कोई भी पॉलिटिशियन अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि मेरी वजह से हुआ, पर वहाँ किसी का भी कोई एक्शन नहीं हुआ, नहीं अरेस्ट हुए थे कम से कम कुछ लोग, कुछ ऑफिसर्स को उन्होंने APO किया है, जो डॉक्टर्स को उन्होंने वहाँ से ट्रांसफर भी किया है जिनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन और अभी मेरे ख्याल कदम उठाने की जरूरत है। लेने के आपको लगता है किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, आपकी कौन रिस्पॉन्सिबल है अरेस्ट का? नहीं, उसमें तो अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, नहीं है, सिलेंडर काम नहीं कर रहे, इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे, किसी की जिम्मेवारी तो होगी ना। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा उसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहीं स्थापित होती है तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, सरकार कार्रवाई करेगी। सर, एक कांग्रेस पार्टी में भुसभुसाहट होती रहती कभी कभी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जो हैं आपसे लगभग बहुत बड़े हैं,
आपके फादर समान हैं, तो ये जनरेशन गैप कई बार लगता है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मॉडर्न लुकिंग बोलता है और चीफ मिनिस्टर थोड़े कॉशियस हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से चलते हैं, तो कहीं पुल बैक पुल एक कदम आगे दो कदम पीछे वाली सरकार में ये नहीं, नहीं अच्छा है ना, दो सेंटर ऑफ पावर हो गए, एक सचिन पायलट हो गया, ऐसा यंग लोगों खींच रहे हैं, अशोक पायलट है, कन्वेंशनल कांग्रेस जो लोग हैं उनके साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि अच्छा है ना, उसमें अनुभव भी है और नए लोगों की सोच भी है, तो दोनों उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा चलेगा उससे। नहीं पर ऐसा लगता है कि कन्फ्रंटेशन हो रही है पॉलिटिक्स में, नहीं नहीं, 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 नहीं देखिए मैं देखिए प्रभु जी, मैं अब लगभग 6 साल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। जब मैं 5 साल विपक्ष में था तो जिन मुद्दों को मैंने उठाया, जिन सैद्धांतिक मुद्दों पर मैंने अपनी राय पार्टी की राय रखी थी, क्योंकि मैं सरकार में आ गया तो राय बदल थोड़ा लूँगा मैं, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, जो मैंने बात पहले बोली थी मैं उस पर कायम हूँ ना। ऐसा तो हो सकता नहीं कि मैं शपथ देने के बाद एक अलग व्यक्ति बन जाऊँ या कांग्रेस पार्टी की राय बिल्कुल बदल जाएगी। तो हम एक लाइन ऑफ एक्शन जो पार्टी की रही हमेशा से, उसी पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मंत्री हो, हम सब कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो काम, जैसे अब मैं जब विपक्ष में था तो किसी की मौत होती थी मैं मिलने जाता था उन लोगों से, क्योंकि मैं डिप्टी चीफ हूँ तो मैं मिलने नहीं जाऊँगा, दुख बांटने नहीं जाऊँगा, आई एम स्टिल द सेम पर्सन ना। नो यू आर राइट एब्सोल्युटली, बट क्वेश्चन इज एज यू राइटली सेड कि आप आए सरकार में, 1 साल से ज़्यादा हो गया अब आपको, आपके पड़ोस थोड़े एक और कांग्रेस का मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब, उन्होंने काफ़ी कुछ करके दिखा दिया, 1 साल के अंदर माफ़ भी कर दिया, लोन भी माफ़ कर दिया, बाकी ट्राइबल्स के लिए कुछ कर दिया, दिखाने के लिए कुछ है कुछ। आप 2-3 पॉइंट ऐसे बताएं कि आपके पास दिखाने के लिए कि आपने लोन तो पूरे माफ़ नहीं किए जो वायदे किए थे, आपके काफ़ी सारे वायदे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलकर के काम तो करते ज़्यादा काम होता, परंतु बघेल साहब जितना कर पाए हैं उतना। अब आप कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि उस स्टेट की स्थिति परिस्थितियां अलग हैं, हमारी स्टेट की अलग हैं, हमारा बहुत बड़ा राज्य है, 7 करोड़ की आबादी है, और चीफ मिनिस्टर निबड़ के 5 रह गए ना, इसलिए जब जितना तो सभी काम कर रहे हैं, जहां जहां हमारी सरकार है हम पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, और 1 साल के अंदर हमने जो वादे किए थे लगभग 1/4 हमने वादे पूरे कर दिए हैं, और हमने अपने मैनिफेस्टो को एक सरकारी दस्तावेज बना दिया है, चीफ सेक्रेटरी को, कलेक्टर को मैनिफेस्टो दे दिया है कि ये पॉलिसी सरकार की है, आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना है। चीजें ऐसे बताएंगे जो आपने फुली इम्प्लीमेंट कर, जैसे उन्होंने लोन माफ कर दी पूरे के पूरे। नहीं, हम लोगों ने अभी हम लोग पूरे लोन हमने नहीं किए, हमने कोऑपरेटिव बैंक्स के लोन माफ किए हैं, लेकिन कमर्शियल शेड्यूल बैंक्स के लोन के लिए भी नेगोशिएशन चल रही है। फाइनेंसिस आपके ठीक नहीं है लगता है। अब जब हमने सरकार टेक ओवर किया था तो बहुत माली हालत अच्छी नहीं थी, हमने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है उसको। अब जब अपने एक मैं बात में सुन रहा था, आप बाकी भी चीज़ें होते हैं देश के अंदर कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो आपका जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, आपको लगता है कि ये स्टैंड ठीक है कि सिटीजन इस देश के अंदर आप चाहते हैं कि नागरिक और पॉपुलेशन जो सिटीजन है रहने वाले, नागरिक और रहने वालों के बीच में कोई डिफरेंस होना चाहिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये बताए कि ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ये यहाँ के नागरिक हैं। मैं तो कहता हूँ जो भारत के मापदंड को पूरा करता है, जो भारत की सेफ्टी, सुरक्षा, अखंडता, सुरक्षा को चैलेंज करता है, उस व्यक्ति को कभी नागरिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन किसी को नागरिक ना बनाओ सिर्फ इसलिए वो किस मज़हब को फॉलो करता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। और आपके मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखी थी पहले जब लेकिन ये नहीं आए सिंधी आए या वो जो राजस्थान के बॉर्डर पे तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये धर्म किस लिए दे दो, उन्होंने व्यक्ति का परिस्थिति देख कर किया था, धर्म के नाम पर। धर्म के लोग नहीं थे जिनका नाम लिखा गया तो था, आए नहीं थे उस टाइम, इसलिए अगर धर्म को मापदंड बना के हम कुछ काम करेंगे तो संविधान में नहीं लिखा है वी आर ऑल इक्वल इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन को क्राइटेरिया बना के उसमें अगर मापदंड आगे पीछे करोगे तो उस पे लोगों को परहेज है। बाकी अच्छा मेरी बात सुनो प्रभु जी, आप बात कर रहे हो बांग्लादेश की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, हिंदुस्तान में जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको पढ़ाने का, नौकरी देने का हमारे पास संसाधन है कि नहीं है? पहले तो इनकी चिंता तो कर लें हम लोग। अभी आप कह रहे हैं हम बाहर से आएंगे उनको ये बनाएंगे, जो हमारे घर के बच्चे पोते हैं पहले इनको पढ़ा लें हम लोग, पहले तो वो प्राथमिकता होनी चाहिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे पास हर कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसमें नहीं तो हमारे पास आधार कार्ड नहीं है क्या? हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्या? हमारे पास सब तरह के राशन कार्ड है? आधार कार्ड में सिटीजन तो नहीं हो सकता। लेकिन आप सिटीजन के लिए क्या चाहिए आपको? उसको सुविधा देनी है ना हम लोगों को, उसकी नागरिकता प्रमाण करने के लिए हमारे दादा परदादा कहाँ पैदा हुए थे उनके दस्तावेज लेकर आओ। इसमें पक्षपात होने का बहुत खतरा है लोगों को, और जो गरीब है, ट्राइबल है, दलित है, पिछड़े इलाकों में रहते हैं, उनके पास कहाँ डॉक्यूमेंट्स गाँव में होते हैं आप सोचिए, तो बड़ी असुरक्षा फैल जाएगी। जितनी बार पॉपुलेशन आपने भी कराई आपकी सरकार में होती है, एनपीआर होता है पॉपुलेशन रजिस्टर, लेकिन उसमें सवाल बदल दिए ना, जो एनपीआर इस बार हो रहा है ऐड नहीं, उसमें सारा गेम ही उसी का है, उसमें आप सवाल इतने कर दीजिए कि जटिल बना दो फिर लोग परेशान रहे। किसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है? के एनआरसी पे चर्चा ही नहीं हुई है,
ये कहा ना उन्होंने, पार्लियामेंट में तो खत्म हो, जब उन्होंने प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एनआरसी पे कोई चर्चा ही नहीं हुई है, पता नहीं बेवजह फालतू इशू बन रहा है, जॉइंट सेशन में भाषण में लिखा है, आप बताइए मोदी साहब ने बोला कि नहीं बोला कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं मांगे, ये तो कहा ना उन्होंने, उन्होंने कहा एनआरसी पे चर्चा ही नहीं हुई है कोई, अमित शाह ने जो कहा एनपीआर पे हम डॉक्यूमेंट कोई कागज नहीं मांगेंगे। मैं कह रहा हूँ एनपीआर और एनआरसी और सीएबी की चर्चा आप कभी तक करते रहो, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अब हमारे खुद के नागरिक हैं जो पैदा हुए हैं उनकी तो मदद करें हम लोग पहले। सेंसस पिछले 50 साल से कांग्रेस सरकार करती आ रही है, 1952 के बाद में क्या किया है, 61 किया है, 71 किया है, कैसे किया, 2021 में होना था जी, तो आप ही के थोड़े क्वेश्चन ऐड करके उन्होंने शुरू किया एनपीआर को। नहीं तो सेंसस तो हर साल 10 साल में होता ही है, उसको रोक दिया ना आपकी सरकार भी, रोकने के बारे में स्टेटमेंट दिया हम एनपीआर नहीं करेंगे, जैसे केरला की सरकार ने कहा और वेस्ट बंगाल की करने का कि हम प्रोसेस को ही बंद कर देंगे। वो एनआरसी के लिए कह रहे हैं वो लोग, एनपीआर के लिए कहा जो करंट एनपीआर का है। हाँ। उसमें कोई डिबेट है कि सवाल ऐड करने की नहीं करने हैं, वो टेक्निकल इशू है। कहा कि हम उसके घरों पर स्टॉप नहीं किया, राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं किया, नहीं क्योंकि आप ही की सरकार की शुरू की हुई है। नहीं, हम लोगों ने एनआरसी पे अपना स्टैंड क्लियर किया है। अब दूसरे कांग्रेस के, क्योंकि आप कांग्रेस के फ्यूचर नेता हैं, आपके पास यंग लोग भी आ गए हैं, अभी फिर चर्चा शुरू हुआ कि राहुल गांधी ने सीखा दिया था कि लोकसभा चुनाव नहीं करा पाए, फिर से चर्चा की उनको अध्यक्ष दोबारा से बनाना चाहिए, तो आपको लगता है राहुल गांधी को फिर लाना चाहिए कांग्रेस रिवाइव करने? देखिए हम सब ने अपनी प्रभु जी, हम लोगों ने अपनी बात स्पष्ट रूप से 6 महीने पहले रख दी थी, 6 महीने पहले। अब इसका निर्णय वर्किंग कमेटी को और कांग्रेस पार्टी को लेना है। तो आपको मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय कांग्रेस पार्टी लेगी, और हमेशा से ही नौजवान लोगों को पार्टी ने आगे रखकर काम करने की कोशिश की है। तो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं तो हूँ अध्यक्ष ना, मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ राजस्थान में। मैं तो आपको लगता मैं 6 साल पहले राजस्थान गया था, वहाँ के लोगों का अपार स्नेह और प्रेम मुझे मिला है, और मैं वहाँ रहकर काम करना चाहता हूँ। सच्ची बात ये है कि आप क्या, कि आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर केवल राहुल गांधी क्वालिफाइड हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए? हमारा अध्यक्ष कौन बनेगा नहीं बनेगा इसका निर्णय कांग्रेस कार्यकर्ताओं करना है, और हमको करना है, इसमें बेवजह सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पार्टी जो निर्णय लेगी उसको सब मानेंगे, और हम सबकी आम सहमति के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। तो राहुल गांधी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? मैंने कहा ना, पहले भी रह चुके हैं, हमने तब भी कहा था इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, और अब जब भी नया चुनाव होगा अध्यक्ष का, उसमें कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी, वर्किंग कमेटी निर्णय करेगी। सवाल पूछा होगा राहुल गांधी बने कि नहीं बने, आपको पता पड़ेगा। मैंने कहा कांग्रेस वर्कर क्या इच्छा, आप जो सवाल पूछे मैं ठीक उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप चाहे 10 बार पूछो 20 बार पूछो, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा इसका निर्णय कांग्रेस कार्यकर्ता करते हैं। इसमें प्रभु चावला जी और फलाने एंकर की हम सुन के काम नहीं करेंगे, जो हमारा पार्टी वर्कर चाहेगा हम उस काम को करेंगे। चलो आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।